हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब हुंडई मोटर्स इसकी सेवन सीटर सिबलिंग अल्काज़र के फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसको कि काफ़ी बार रोड टेस्ट करते हुए स्पाई कर लिया गया। और आज इस वीडियो में मैं आपको 2024 अल्काज़र फेसलिफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप अल्काज़र और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2024 हुंडई अल्काज़र फेसलिफ्ट की बात करते हैं। अल्काज़र फेसलिफ्ट में हमें सिमिलर चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें नई क्रेटा में देखने को मिले थे, जहाँ इसके फ्रंट एंड और रियर एंड को बिल्कुल ही बदल दिया जाएगा, जो कि एक फैमिली लुक देगा इसको क्रेटा से मैच करती हुई, जिसमें कि फ्रंट में इसको स्प्लिट LED हेडलैम्प सेटअप विद कनेक्टिंग LED लाइट्स मिलेंगी और रेयर में इसको वेन्यू, वर्ना और कैटरा जैसी ही कनेक्टिंग LED लाइट्स मिलेंगी। इंटीरियर्स में इसको सेम क्रेटा की तरह ही कनेक्टेड स्क्रीन्स मिलेंगी, जिनका साइज क्रेटा की स्क्रीन्स की साइज से बड़ा हो सकता है। इसके अलावा इसको 6 और 7 सीटर सीटिंग ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें कि 6 सीटर वेरियंट्स में कैप्टन सीट्स के साथ हमें टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में मिलने वाली एक्सटेंडेड लेग सपोर्ट वाली सीट्स भी दी जा सकती हैं टॉप एंड वेरिएंट में। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इस नई अल्काज़र में हमें फुल LED हेडलैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, कनेक्टिंग LED लाइट्स एट बोथ फ्रंट एंड रियर, फुल LED टेल लाइट्स, LED लाइट बार, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, 18-inch एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स, फ्रंट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स विद ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 12.3-inch टच स्क्रीन सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर, 12.3-inch फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले विद नेविगेशन इनपुट, 10-inch हेड्सअप डिस्प्ले, फास्ट USB चार्जर्स, ऑटोमेटिक IRVM, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, UV कट ग्लास एंड विंडशील्ड्स, फ्रंट कप होल्डर्स, ट्रैक्शन मोड, कूल ग्लव बॉक्स, एम्बियंट लाइटिंग, साउंड मूड लाइटिंग, लेदरेट सीट्स, लेदर आफ स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, ऑप्शनल कैप्टन सीट्स, ऑप्शनल रियर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, रियर रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडिंग सीट्स, रियर USB चार्जिंग सॉकेट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स एंड स्टोरेज, थर्ड रो AC वेंट्स, थर्ड रो एडजस्टेबल सीट्स, एयर प्योरीफायर, एयर फ्रेगरेंस सिस्टम, रियर विंडो कर्टेंस, रियर विंडशील्ड सन ब्लाइंड, पावर टेलगेट, रियर वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, अप टू 9 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्राइव मोड्स, ADAS लेवल 2, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, 360-degree पार्किंग कैमराज, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एंड लेन वॉच कैमरा सिस्टम वाले फीचर्स मिल सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन्स की बात करते हैं। हुंडई नई अल्काज़र में हमें 2 से 3 इंजन्स ऑफर कर सकती है, जिनमें से एक इंजन होगा 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 163 PS की पीक पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6-speed मैनुअल और 7-speed DCT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। दूसरा इंजन होगा 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 150 PS की पीक पावर और 192 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ हमें 6-speed CVT ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलेगा। तीसरा इंजन हो सकता है 2 लीटर डीजल, जो कि 185 PS की पीक पावर और 420 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के साथ हमें 7-speed DCT ऑटोमेटिक, 8-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन सब इंजन ऑप्शंस के अलावा कुछ टाइम बाद हुंडई हाइब्रिड इंजन्स और ऑल इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स भी लॉन्च करेगी अल्काज़र के साथ। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। हुंडई मोटर्स नई अल्काज़र को 16.5 लाख से
25 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और कंपनी इसको इसी साल लॉन्च कर देगी, मोस्ट प्रोबेबली फेस्टिव सीजन में। और लॉन्च होने के बाद ये महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर प्लस, टाटा सफारी, किया केरेंस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से 2024 Hyundai Elcazar से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।